कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग थी, खास तौर से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, पिछले 10-15 दिन में 4-5 सुसाइड केस हो गए हैं, तो न्यूज़पेपर में कुछ सलाह आई है, आप इन्हें पढ़ लें, क्या करें और क्या ना करें। बहुत अच्छी कटिंग है, छोटी सी, आप देख लेना। चलिए सबसे पहले अपन मंगलाचरण करते हैं, एक साथ करेंगे आप लोग, वेरी गुड। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो नमो वज्जायानम, नमो लोये समसागुनम। तीन भुवन में सावित राग ज्ञानता शिव स्वरूप का, नमः त्रियोग संभार। जैन योगा की चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। वास्तव में जैन योगा की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैन योगा माने जिसमें अलग से जरूरत ना पड़े। हम जिनकी बुक कल बता रहे थे आपको, जब हम उनके कॉन्टेक्ट में गए दिल्ली, तो उन्होंने हमसे एक बात कही, सुनना आप लोग, बहुत गजब बात कही उन्होंने। शीर्षासन कभी नहीं लगाना चाहिए, शीर्षासन समझते हो, सिर नीचे पैर ऊपर। तो उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, कभी आपने भैंस को शीर्षासन करते देखा है? कभी आपने जानवरों को शीर्षासन करते देखा है? प्रकृति में यदि आज की विलासतापूर्ण लाइफ ना होती तो हमें व्यायाम की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आराम तलब कहिए, सुविधा भोगी कहिए, जिस तरह की लाइफ स्टाइल आजकल अपनाई जा रही है, इसलिए व्यायाम की जरूरत है। अदरवाइज हमें बिल्कुल व्यायाम की जरूरत नहीं है। कल थोड़ी सी व्यायाम आपको बता दी थी, यदि आप अपने कपड़े झटकते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं, कमरे का पोंछा लगा देते हैं, दोनों बकेट दोनों हाथों में भरकर चलते हैं, आप जीना चढ़ जाते हैं, घड़ा इस तरह से लेकर चलते हैं, तपेला इस तरह लेकर चलते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, यदि आप इस तरह के काम करते हैं तो फिर आपको व्यायाम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सपोज आपको 25-50 हजार रुपए सैलरी मिलती है, आप कार से नीचे नहीं उतरते, कुर्सी से नीचे नहीं बैठते, आप चबाते तक नहीं है, जूस पीते हैं, यदि ऐसा करते हैं, आप 1 किलो वजन भी नहीं उठाते हैं, नौकर लेके चलता है आपके पीछे पीछे, मार्केट में से आप कभी कुछ सब्जी खरीदने के लिए उतरते तक नहीं है, यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको व्यायाम की सख्त जरूरत है। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आपका पूरा शरीर का जो रचना है वो पूरी खराब हो जाएगी। मुझे इस बात की जानकारी तब हुई जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था। एक दिन, क्योंकि मैं बाजार में कभी खाता पीता नहीं था तो कभी पार्टी देने का काम नहीं पड़ता था, उन्हें कभी चाय नहीं पिलाई मैंने पूरे 10 साल तक, तो उनको ऐसे ही लगता था तुम बड़े मजे में हो। तो मैंने उनका कोई बात नहीं, बरसात के दिन है, जुलाई अगस्त का समय, आप आ जाइए संडे के दिन, सब लोग अपन घर पर पार्टी देंगे, आपको जो खाना हम खिलाएंगे सब घर का बना हुआ खिलाएंगे हम आपको। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 90% प्रोफेसरों ने कहा कि अरे वो मेरे को तो शकर है, शुगर, और मेरे को तो एसिडिटी है,
और मैं तेरे को तेल बंद है, मेरे को घी बंद है और सबके पेट आगे हो रहे हैं। तब मेरा दिमाग इस बात पर गया कि सारे के सारे प्रोफेसर बीमार क्यों, सुबह 6 बजे से लेकर ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं 9-10 बजे तक, तो बैठे रहते हैं कुर्सी पर सोफा सेट पर पढ़ाई जा रहे, बस बोले जा रहे हो, क्लास में आए तो फिर बोले, घर गए तो शाम को फिर रात को 9-10 बजे तक ट्यूशन, बड़े ग्लेड हो रहे हैं यहाँ 25,000 रूपये पर मंथ की ट्यूशन कमा रहे हैं हम, लेकिन बोलने का काम तो हो रहा है 8 घंटे और खाने में 1 रोटी 2 रोटी जरा सा सब्जी बस बस, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कुछ काम नहीं, कोई बैठे कुछ काम ही नहीं, कुछ परिणाम ये निकला कि छोटी छोटी उम्र में प्रोफेसर लोग 99% प्रोफेसरों को पेट बड़े मिलेंगे यार, कोई सिलिम ट्रिम नहीं मिलेगा आपको, खा पी नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्यों कार में चलते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर से नीचे नहीं उतरते हैं, जब टेलीविजन भी देखते हैं तो ऐसे बैठ के तो देखेगा नहीं कोई, ऐसे गद्दे पे आड़े टेढ़े होकर के पूरा का पूरा पोस्चर खराब उनका। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक आप अपने हाथों से खूब काम करो, काम करने में कभी आलस मत करो, दौड़ दौड़ के काम करो, उत्साह से काम करो, थोड़े एक साथ दौड़ जोड़ दो, भक्ति से काम करो, घर में जाकर के भी काम करो तो माता पिता की सेवा भैया वृत्ति की भावना से काम करो, आप जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर के लिए, एक नाम सुना हुआ आपने मुनिराज निर्वाण सागर जी, 50 साल उनकी दीक्षा के कंप्लीट हो चुकी है, 50 साल से उन्होंने कोई टेबलेट नहीं ली है, उसके पहले का हमें नहीं मालूम ग्रस्त जीवन का, लेकिन जब से दीक्षा ली 50 साल में एक टेबलेट नहीं ली है, आज 105 बरस की उम्र है उनकी लगभग, इतनी तेज ठंड अभी अपन ने देखी, इतनी तेज ठंड में भी वो नग नहीं रहे, इतनी गर्मी में कभी सनस्ट्रोक नहीं हुआ उन्हें, कुल कभी लू लपट नहीं लगी उनको, आज भी पूरे दांत हैं, आज भी बढ़िया पाचन तंत्र है, आज भी विहार कर रहे हैं वो, आज भी दिन भर में 8 घंटे पढ़ रहे हैं वो, आज भी बिना माइक के प्रवचन करते हैं, कोई मुनिराज बिना माइक के प्रवचन नहीं करता होगा इस समय, आज तक उन्होंने माइक नहीं लिया, इलेक्ट्रिक का प्रयोग नहीं करते, सीधा प्रवचन करते हैं। मुझे कहने का मतलब ये है, आप कल्पना कर सकते हैं, उनको कोई हेडेक नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, योग्य परिश्रम, योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य निहार, समझ आया कुछ, आहार विहार निहार, उनका भोजन ठीक है, निहार माने मलमूत्र पेट साफ होते हैं समय से, विहार माने रोज 10-15 किलोमीटर चलना है उनको, बस इतना परिश्रम पर्याप्त है, कोई दिगंबर मुनिराज तीर्थासन नहीं करते, कोई दिगंबर मुनिराज बैठ करके पेट का वो नहीं करते, कपाल भाती, कपाल भाती समझते हैं पेट को अंदर ढकाना कभी नहीं करते, कोई अनुलोम विलोम नहीं करते, देखा होगा आपने अनुलोम विलोम, कुछ नहीं करते, स्वस्थ क्यों है, और हम इतने प्रिकॉशन लेने के बावजूद आप में से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कैंसर नहीं होगा, कि शुगर की बीमारी नहीं होगी, कि एसिडिटी नहीं होगी, कि गैस ट्रेवल नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्यों, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं ये बात कि आप अभी इतने अच्छे समय में हैं, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, क्लीन बोर्ड है आपके पास, बिल्कुल जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं आपको जिंदगी में दवाई नहीं खानी पड़ेगी, फुल कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं हम आपके साथ, इसलिए हमने आपको ये बात इसलिए बताई, आपको थोड़ी सी बीमारी होगी, अभी एक बच्चा बता रहा था आंख में दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा MRI करा ले, डॉक्टरों के 20-40%, 50%, 30-40% कमीशन बता देता है, कोई भी जाता है झट टेस्ट लिख देता है, टेस्ट करा लो आप, टेस्ट का 40% उसके पास हो जाता है शाम को,
जितने MR आते हैं MR सबकी दवाइयों का वो दे के जाते हैं, हम साहब आपको एक LCD देंगे, हम आपके लिए एक CD प्लेयर दे देंगे, DVD प्लेयर देंगे, यदि आप हमें इसी दवाइयां बिकवा दें तो। एक महीने के अंदर डॉक्टर लिखे जा रहा धड़ल्ले से, बाद में उसके पास एक LCD आ जाता है। बिल्कुल सच्ची घटना है बिल्कुल। आप अब यहां से डॉक्टरों हम क्या भरोसा करेंगे। मैंने उस बच्चे से कहा एक काम करो, ये रुमाल को गीला करो ठंडे पानी में और ऐसे करो इसको, बिल्कुल एकदम कोल्ड हो जाएगा, आंखों पर लगा लो 10 मिनट, ना आराम मिले तो बोल देना आप, आराम हो गया खत्म। कितना सरल काम, काय की MRI, किसकी ECG, कोई जरूरत नहीं। खैर तो यदि आप परिश्रम करेंगे तो इन सब बातों से बचेंगे, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको। कल बहुत सारे फार्मूले बताए थे आपको, खाएं कि नहीं खाएं, मत खाओ। आप ऐसा मत सोचिए कि हम डफर पार्टी में गए और 11 रुपए दे रहे हैं तो 21 का तो खाना ही है। ठीक है माल पराया है लेकिन शरीर तो अपना है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, खींचकर खाने वाले घर आते थे वॉमिटिंग कर देते हैं, खींचकर खाने वाले घर आते थे खट्टी खट्टी डकारे आने लगती है, परेशान हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं सही है यार हराम का माल पचता नहीं। बात तो सच्ची है, शरीर तो आपका है ना, हेल्थ तो आपकी है ना, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इन बातों में आप ध्यान रखेंगे कभी परेशान नहीं होंगे। एक बहुत मार्मिक बात आपको कहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, जिंदगी में वेस्टेज हो जाए तो हो जाने दो लेकिन खाओ मत। एग्जाम्पल, आपने आधा लीटर दूध लाके रखा हुआ है, आप उसको प्रॉपर बॉइल नहीं कर पाए, दूसरे दिन वो खट्टा हो गया कड़वा हो गया, अब आप सोच रहे हो यार 15 रुपए का दूध है यार, चल शक्कर डाल के। आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए, हो सकता है 15 रुपए का दूध पिया है अभी आपने और अंदर में वो गैसेस ट्रेवल कर देगा, एसिडिटी बना देगा, कोई तकलीफ कर देगा, हो सकता है 5 रुपए की दवाई खानी पड़े आपको, आप 15 रुपए की चीज फेंक दो। कई बार घरों में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपके मम्मी जिस दिन नमकीन बनाने बैठ जाती है तो 1 टीन बना देती है ढेर सारा, और नहीं बनाती तो महीना भर नहीं बनाती। अब 1 टीन बन गया तो शुरू शुरू में तो ताजे और बढ़िया लगते हैं टेस्टी, तो आप बार बार कहते थोड़े और चलाना है 7 दिन, तो इनको थोड़े थोड़े देते, और जब 4th दिन से स्मेल आने लगती है तो सुबह पोहे में भी, दोपहर को भोजन में भी, शाम को भी भोजन में, और देखिए बच्चे कहता हूँ। मैंने आपने देखा होगा जब उनके टेस्ट खराब हो जाते हैं, स्मेल खराब हो जाती है, तो माँ सोचती है जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म हो जाने का मतलब यह है कि वो आपके पेट में उड़ेल दे, और पेट में उड़ेलते थे आप देखना, जिस दिन भी आप चला हुआ दूध, इसको चलित दूध कहते हैं, चलित दूध मैंने जिसका स्वाद खराब हो जाता है उसको कहते हैं चलित दूध। चलित दूध का मतलब इसमें वायरस पड़ चुके हैं, दूध फट गया इसका मतलब वायरस है, वहां वायरस माने विषाणु। आप देख लेना जिस दिन भी आप खराब दूध पियेंगे, जिस दिन भी खराब चीज खाएंगे, उसी दिन आपको बहुत खराब लगेगा। ये तो आपकी शरीर की शक्ति अच्छी है, इसलिए आप हो सकता है किसी तरह से रात व्यतीत करने तक सुबह तक थोड़ा आराम मिल जाए आपको, नहीं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये आपको परेशान करेगा। 25 रुपए की चीज खाने के नाम पर आपको 5,000 की दवाइयां तक लेनी पड़ सकती है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मार्केट से आप मैंगो खरीद के लाए, एप्पल खरीद के लाए, केला खरीद कर लाए, अब वो रखा रहा, छिलका खराब हो गया, अंदर की भी खराबी हो गई परत, अब आपको लग रहा है यार फेंकूं कि नहीं फेंकूं, 2 रुपए का एक केला है, तो फिर आप सोचते चलो यार चाकू से तुमको ऊपर का बना दो। आप सड़ा हुआ आम मत खाइए, सड़ा हुआ फल कभी मत खाइए, आप इस लोभ को जीत लेंगे तो 1,000 रुपए बचा लेंगे आप, ये ध्यान रखना आप, बस इतनी सी बात है। आगे चलिए, व्यायाम करें, परिश्रम करेंगे, व्यायाम कोई जरूरत नहीं है, यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो। अब एक समस्या है आपके सामने, आज की न्यू जनरेशन का जो जॉब है उसमें समय नहीं है, रात को 10-11-12 बजे सोता है, सुबह 7-8 बजे उठते ही ऑफिस जाने की लगती है उसको,
15-15 किलोमीटर दूर ऑफिस है उसका, बड़ी बड़ी सिटी में और हालत खराब है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, एक एक दो दो घंटे ट्रेवलिंग में लग जाता है जाने में, और एक एक दो दो घंटे लौटने में लग जाती है। ऐसा व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता। तो जब स्वामीनाथन जी से पूछा कि हमको समय नहीं मिलता व्यायाम करने के लिए तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा आप 30 सेकंड के लिए व्यायाम करो, एक 30 सेकंड के लिए व्यायाम। जब भी खाने पीने के लिए घी तेल शक्कर का माल आए, मटेरियल अच्छा अच्छा, तो आपको इतनी भी व्यायाम करना चाहिए, भाई इतनी सी व्यायाम करो समझ गए व्यायाम, मैंने जब भी भोजन आए तो आपको इतनी सी व्यायाम करना है बस, ज्यादा बड़ी व्यायाम नहीं करनी है आपको, तो आप स्वस्थ रहेंगे। मैं एक बात आपको पूछूं, आप कल्पना कर सकते हो उस आदमी की जो 25 साल की उम्र से डॉक्टर के द्वारा घी प्रतिबंधित कर दिया गया है, तेल प्रतिबंधित कर दिया गया है, शक्कर और नमक प्रतिबंधित कर दिया गया है, छोटी उम्र में ही बीपी का शिकार हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का पैकेज अच्छा मिला है नौकरी का उसे, इसका मतलब है वो आदमी उसी दिन से मरना शुरू कर देता है। अब वो केवल कमाने का साधन बचा है घर में, बस सारी फैमिली हमें तो सराहना करती है, बहुत इंटेलिजेंट मिस्टर है हमारे, खूब कमाते हैं और बहुत आनंद है, कुछ नहीं खाते मानो वो कमाई का फैक्टर है और कुछ नहीं है। आपको कैसे लगेगा जब सारी जिंदगी सब तो लड्डू खाएं दिवाली के दिन, सब त्योहारों पर बढ़िया बढ़िया खाएं, और आपके लिए सुनो आपके लिए मैंने वो बॉइल्ड दूधी निकाल के रख दी है, आप अलग खाइएगा, आपको टमाटर का सूप रखा हुआ है, जूस रखा हुआ है, तो आपको कैसा बुरा लगेगा। इसीलिए हम आपको इस प्रायर एज में कह रहे हैं आपको, जब आपको ये समझ सकते हैं आप कि आप जिंदगी मेहनत से मत चूको, कोई व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यदि फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम व्यायाम आपको अलग से बताएंगे, थोड़ी सी व्यायाम जैसे कल बता चुके हैं। आप एक बात से यदि बचेंगे तो जिंदगी में लाखों रुपए से बच जाएंगे, बता दूं कौन सी बात, बॉडी में से पसीना निकलने दें। यदि आप शरीर में से पसीना निकलने देते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 50% से ज्यादा बीमारियां केवल इसलिए होती हैं कि पसीना नहीं निकलता, जब पसीना नहीं निकलता तो फुंसी बन जाती है वो, आपके सारी शरीर में जो एलर्जी कहलाती है वो कुछ नहीं है, पसीना नहीं निकल पा रहा इसकी चीज है। गर्मियों में यदि आप पसीना बर्दाश्त कर लें थोड़ी सी देर के लिए, इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने कल एक बात कही थी आपको, आप एसी मत लगाओ, नेचर ने आपकी बॉडी में ऐसी सिस्टम दे रखा है, फिर से बोलूं, नेचर ने आपकी बॉडी में ऐसी सिस्टम लगा रखा है, आपको पता है ठंडों में ठंड क्यों लगती है आपको, क्यों, क्योंकि ठंड के समय में एयर कंडीशन काम करता है आपकी बॉडी में, जितनी बाहर ठंड अधिक होती है उतना बॉडी गर्म होती है, उतना टेम्परेचर ज्यादा होता है। यदि अभी ठंड हो तो आप अपने पेट पे हाथ लगा के देखिए गर्म है, और जब गर्मी के दिन होंगे अप्रैल मई जून जब भी आपकी गर्मी के दिन हो तब आप हाथ लगा के देखना अंदर, कूलिंग सिस्टम मालूम पड़ेगा आपको। पसीना आना माने शरीर को का टेम्परेचर मेंटेन करके ठंडा करना, और जितनी ठंड ज्यादा पड़ती है उतनी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम है। आप कभी भी देख लेना, जब चाहे देख लेना, ठंड क्यों लगती है बहुत सिंपल गणित है, मुझे मालूम है आप बहुत कपड़े पहनते हैं और फिर भी ठंड लगती है आपको, आप 4 रजाइयां ओढ़ेंगे तो भी ठंड लगेगी, जिस दिन आप 2 रजाइयां 3 रजाइयां ओढ़ के सोए हैं और इतना सा हाथ बाहर रह गया तो इतने हाथ में सुन्न हो जाएगा, बहुत ठंड लगेगी आपको। मैं भी आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, लेकिन आपने एक बात देखी होगी, जब तक आप कपड़े नहीं उतारते तब तक ठंड लगती है, और जब कपड़े उतार कर आप लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ठंड का क्या होता है। जितनी देर तक आप रजाई के अंदर रहते हैं तो आपके अंदर का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम है, बस 30 डिग्री का ही नाम है। मैं मालूम क्या करता हूँ, आपको देखकर हैरत तो होती होगी थोड़ी बहुत, मेरी पूरी ठंड ने केवल इस तरह की बनियान में निकल गई, हाफ बाहें पूरी ठंड। अभी मैं अजमेर में था जिस समय सबसे ज्यादा ठंड थी, लेकिन मैंने इस कपड़े से ज्यादा नहीं पहन पाया, उसका कारण है
यदि आप शरीर में 2-5 मिनट इंतजार कर लें तो इसकी टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसके बाद ठंड नहीं लगेगी आपको। यदि आप इतने इतने कपड़े पहनते हैं, जितने कपड़े पहनते हैं उतनी शिवरिंग ज्यादा होती है आपको, हाथ में जरा सी भी हवा लगती है आपको ठंड लगती है, चेहरे पे जरा भी हवा लगती है आपको ठंड लगती है। आप एक काम करिए, जैसे चेहरे को ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा बर्फ के क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में लोगों के चेहरे तो वहां भी खुले ही रहते हैं ना, तो उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती चेहरे पर? यदि आप थोड़ी देर के लिए चेहरा ऐसे कर लीजिए तो इसको हटा दीजिए, ठंड लगेगी आपको। फिर से समझ लीजिए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, इसका नाम ठंड। यदि थोड़ी देर के लिए आप शरीर को खुला छोड़ दीजिए, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। मैंने ठंडों में भी इस बात का प्रयोग करके देखा है, मैंने बॉडी का टेम्परेचर जितना बाहर का है, ठंडे पानी की एक लपेट, एक कपड़ा लपेट लगा दी थोड़ी सी 5 मिनट के लिए, बाद में मैं दिन भर फ्री घूम रहा हूं। मैं आपको आश्चर्य लगेगा, आपने एक बात देखी होगी, मैं आपको ही बताता हूँ दृष्टांत देकर। कभी आप भोजन करने के बाद धूप में बैठ जाओ, इसके बाद दिन भर आपको घर में अंदर जाने की इच्छा नहीं होती, दिन भर आपको जरा भी अंदर जाएंगे तो ठंड लगेगी आप, फिर ऐसा लगे धूप में आ जाओ। दिन भर तो आप धूप ताप लेंगे, शाम को क्या करोगे? जब धूप में रहेंगे तो रात भर ठंड लगेगी आपको। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं धूप में ज्यादा नहीं रहता हूँ, ठंडों में भी मैं धूप नहीं सेकता हूँ, मैं छाया में बैठा रहता हूँ, कमरे में बैठा रहता हूँ। इससे एक फर्क पड़ता है, टेम्परेचर सेम रह जाने की वजह से शाम को कोई ठंड नहीं लगती। मैंने आपको वो नेचुरल तरीका बता दिया ठंड को जीतने का, आप जितने चाहे कपड़े पहनो ठंड कभी खत्म नहीं होती किसी की। ऐसे ही गर्मी में समझ लीजिए, आपको लगता है पंखा चलाओ लेकिन पसीना जब आता है ना उतनी देर तो बेचैनी होती 2 मिनट, लेकिन अंदर की कॉटन के कपड़े जब गीले हो जाते हैं तो एयर कंडीशन का काम करती है। आप पसीना निकलने दो, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी आपको। हो सके आप इसको फॉलो अप करके देखना, मेरा एक टाइट मैंने किया हुआ है बिल्कुल, और मुनिराजों का एग्जाम्पल सामने आपके पास। आज तक एक भी दिगम्बर मुनिराज को हार्ट अटैक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ, सन स्ट्रोक नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं। आप भी चाहें मस्त रहिए। चलिए और आगे चलते हैं। कल एक बच्चा पूछ रहा था टॉन्सिल, एक बच्चा पूछ रहा था, और भी किसी पूछना था स्लिप दे देना, नहीं तो फिर मैं और आपको बातें बताऊंगा। चूंकि टॉन्सिल का नाम आ गया हम बीच में ही बता देते हैं आपको। बहुत लोगों डॉक्टर एक बहुत बड़ी बेवकूफी करता है, जब भी आप टॉन्सिल दिखाने जाते हैं तो ऑपरेशन बता देता है। ऑपरेशन में क्या होता है, एक वॉइस कार्ड है अंदर, एक दिखती ना गले में फोनगी उसको कहते हैं वॉइस कार्ड, अंदर लगा रहता है जो, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे वो कह देगा उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें सूजन है, और कट कर देगा उसको, 5,000 रुपए ले लेगा आपसे। लेकिन अब ये हट्टी एक साथ देना है, अब नहीं आना कोई भी, बीच बीच में नहीं आना तो अच्छा रहेगा। मैं आपको आखिरी 15 मिनट दूंगा, आप फटाफट पूछ लेंगे, सुनना ध्यान से, पता भी इलाज है आपको, बहुत सुंदर इलाज है। एक गिलास गर्म पानी ले लीजिए, एक गिलास ठंडा पानी ले लीजिए, 2 मिनट गले में गरारे करिए, ऐसे करके 2 मिनट, 1 मिनट ठंडे से करिए, 2 मिनट गर्म से करिए, 1 मिनट ठंडे से करिए, 3-3 बार करिए, 2-4 दिन में एकदम बढ़िया हो जाएगी। बहुत तकलीफ हो तो दिन में 2 बार कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। एक साथ में एक छोटी सी पट्टी, एक तो अभी सिर पे गीला करके लपेट दीजिए, निचोड़ के लगाना है, और दूसरी एक पट्टी गले पर बांध दीजिए, इतनी मोटी गले पर, गले के सारे इलाज सही होंगे। बस गले की कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको, केवल ठंडे गले की पट्टी बांधनी है और ऊपर से सूखा कपड़ा बांध दीजिए ताकि हवा ना लगे, बस हो गया इलाज खत्म। कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा काम करना है गले के लिए। आज वो बोल रहे थे ना भैया टडैया अध्यात्म, क्या नाम था, आराध्य है, कहाँ है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो उनको बहुत खांसी आ रही थी, मैं बीच चीजें बोलते बोलते बोलते
मैं सोचा यदि सुबह से मिल लेते या कल से मिल लेते शाम से, तो मैं पहले ही उनको पट्टी बता देता। आप करके देखना इस चीज को, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। दांतों के मामले में बात कर लें अपन, हालांकि सारे डॉक्टर कहते हैं कि दांतों के लिए ब्रश कीजिए, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट करिए, लेकिन फ्लोराइड विदेशों में प्रतिबंधित है। फ्लोराइड माने एक प्रकार का शीशा से भी अधिक घातक जहर, फ्लोराइड कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध लग चुका है उसके ऊपर विदेशों में। फ्लोराइड बहुत खराब चीज है, जहर एक करेगा। यदि आप माने नहीं माने बताना मेरा फर्ज है। सबसे बढ़िया दी बेस्ट, हमारे एक पहेली पूछते हैं, पहेली, आप ऐसे टूथब्रश का नाम बताइए जिसमें पेस्ट भी निकलता है, बताइए। नीम की दातून। आप ऐसे टूथब्रश बताइए जिसमें पेस्ट भी निकलता है। अभी हम लोगों ने इसमें एक बहुत सुंदर प्रयोग किया हुआ है। यदि आप इतनी बड़ी दातुन चबा चबा करके अंदर बाहर चार तरफ से मांजते हैं, दांत करते हैं, और वो जो रस निकलता है उसे चूस जाए, आपको कभी बुखार नहीं आए। आपको लगे थोड़ा कड़वापन, लेकिन मुश्किल से मुश्किल एक सप्ताह, एक सप्ताह के बाद आपकी जवान है वो हैबिचुअल हो जाएगी। इससे बढ़िया माउथ फ्रेशनर नहीं मिलेगा आपको। चबाइए, चूस जाइए, आप करके देख लीजिए प्रयोग, आपकी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। वैसे भी आप समय समय पर न्यूज पेपर में पढ़ते हैं नीम के गुण, नीम का, नीम के लिए विदेश वाले तो तरस रहे हैं। अमेरिका उसका कॉपीराइट चाहता है, पेटेंट चाहता है उसका। हल्दी भारत का हर वाला है और विदेश वालों ने उस पर अपना पेटेंट करा रखा है। मैंने विदेशी लोग तरस रहे हैं। आप बहुत सुंदर वैसे सॉल्टेड स्वीट तरीका है, और रोज ताजा ले लो आप, और दुनिया के हर कोने में ले लो। यदि आपकी रेलगाड़ी कहीं भी रुक जाए, कहीं भी आंख बंद करके रुक जाए, यदि आप बाहर झांकेंगे तो एक नीम का पेड़ मिलेगा आपको। आप नीम के पेड़ में से एक तोड़ो, ताजी ताजी लो, काम हो गया पूरा। इसके अलावा दांतों के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके दांतों के मसूड़ों में दर्द है, दांत हिल रहा है, मसूड़े में सूजन है, खून आता है, पीप आती है, दुर्गंध आती है, और एक पायरिया हो जाता है, इन सब का एक ही इलाज है, केवल नेचुरल टूथपेस्ट। कौन सा? नीम, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। अदरवाइज ध्यान से सुनना सभी लोग, मुझे मालूम है जब भी आपको दांत में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर पैसा कमाने के लिए निकालने के लिए कह देगा, हिल रहा होगा तो निकालने के लिए कह देगा, लेकिन आप नीम का प्रयोग करेंगे हिलता हुआ दांत मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी की बात है, इनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब सुनो पंडित जी, कभी एट रैंडम बहुत दर्द हो तो, बहुत सूजन आए, बोलते भी नहीं बने, पानी गुटकते भी नहीं बने, बहुत तकलीफ हो तो लिखो मत। तो आपको कुछ नहीं करना है, सौंठ का पाउडर ले लो, बस सौंठ पीस लीजिए, सौंठ का पाउडर 5-7 मिनट तक सौंठ का कुल्ला कर लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। कितना बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। सौंठ नहीं मिले तो हल्दी ले लीजिए, हल्दी भी नहीं मिले तो लौंग ले लीजिए, लौंग चूस चूस के थूकते जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये दांतों की बात पूरी हो गई, अब बोलो अब कौन सी बात। हाँ, चश्मा पहनने वालों की आंखें अंदर की ओर दब जाती हैं और आंखें चारों ओर काले धब्बे हो जाते हैं। आंखों के लिए हमने आपको बता ही दिया, जो जो तरीके कल बताए, ठंडे पानी की पत्ती है, सौंफ, धना, इलायची, ठंडी प्रकृति की चीज खाइए, आपकी आंखों के लिए आराम है। यदि आप एक आंवला रोज खा सकते हैं, दो खा सकते हैं, एक खा सकते हैं, आंखों के लिए दी बेस्ट, कुछ नहीं करना है आपके लिए। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं इसको,
वैसे आप लोगों के साथ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी, लेकिन जैसे ही आप 25 साल की उम्र क्रॉस करेंगे तब एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे हम ठंडे पानी का प्रयोग करेंगे, लपेट लगाएंगे, कुछ करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। इस बच्चे ने लिखा है हेडेक हो जाता है। हेडेक हो जाने का मतलब बहुत अच्छा है। हेडेक होने का मतलब बहुत अच्छा क्यों है? इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ी आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन ध्यान रखना शरीर में जब कभी भी आपको दर्द होता है तो एक ही कारण होता है उसका। व्हाइट सेल्स एंड रेड सेल्स में आक्रमण, युद्ध, लड़ाई, केवल इतनी तकलीफ होती है आपको। यदि सिर दर्द होता कोई टेंशन नहीं करो, आप नंगे पांव घूमो केवल। आपको पता है सैनिकों को सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी बताई जाती है? मालूम है किसी को? सैनिकों को एनसीसी में सबसे बढ़िया एक्सरसाइज बताई जाती है उनके लिए नंगे पांव स्किपिंग, रस्सी कूदो। रस्सी कूदो आप, यदि आप रस्सी कूद लेते हैं, ये हमारा भारत का बिल्कुल देसी कितना बढ़िया गेम है, सीधी रस्सी, उल्टी रस्सी, साइकिल, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वाले में रस्सी नहीं कूदी आप लोगों ने? श्री कृष्ण में ऐसे पैर करके उछलना पड़ता है। साइकिलिंग, लंगड़ी, पंजे के बल, एड़ी के बल, सारी व्यायाम हो जाती है उस रस्सी में। सैनिकों को सबको कंपलसरी है, एनसीसी में सबको कंपलसरी है रस्सी कूदा। यदि आप सच कहते हैं रस्सी कूदना शुरू कर दें, काय का तो आंख दर्द, काय का सिर दर्द, काय का पेट दर्द, उड़न छू फू, सारी बीमारी दूर। समझ आया आपको? चलिए वापस, जब भी आप नेचर के नजदीक जाएंगे थोड़ी तकलीफ होगी आपको, जुखाम की वो कल हमने आपको बता दिया, होने तो आप डरो मत। और कभी बुखार आ जाए, हो सकता है अचानक बरसात में नहा कर आए, बुखार आ गया उस दिन, मम्मी चिल्लाएगी, दादी चिल्लाएगी, जो भी होंगी सब चिल्लाएंगी, क्या हमने पहले ही मना किया था, और जाओ बुखार आ गया, आप बिल्कुल मत डरो। बुखार आ गया का मतलब ये है कि आपके शरीर में जमा हुआ सारा विकार उठ करके भाग रहा है। लेकिन जाएगा ना, जब जाएगा तो जिस संघर्ष के साथ जाता है, बाइट सेल्स के द्वारा निकाला जाता है, बाइट सेल्स जागृत होते हैं और उसे निकालते हैं, इस चक्कर में गर्मी आ जाती है। जैसे आप सुस्त सुस्त बैठे रहो तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, और किसी को कहेंगे जरा भैया 50 विद्यार्थी उठो और 100 आदमी को धक्का मार के बाहर निकालो, तो फिर क्या होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से वाइट सेल्स और रेड सेल्स की लड़ाई का नाम बुखार है। बुखार कोई चीज नहीं है। मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताऊं, 90% बीमारियों का मूल कारण है बॉडी की स्टेमिना की कमी, जो हम पहले बता चुके हैं। मेहनत करिए और कुछ नहीं करना है आपको। स्टेमिना की कमी से आपको जानकर ताज्जुब होगा, दुनिया में एक भी बुखार मच्छरों के काटने से नहीं होता। अब आपको लग रही होगी हमारी बात गलत, पंडित जी मलेरिया का मच्छर होता है और कौन कौन से मच्छर होते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं एच एन स्वाइन फ्लू कौन कौन से, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए दुनिया में कभी भी किसी मच्छर के काटने से, और बल्कि दूसरी भाषा में कहूं तो कभी किसी के वायरस के कारण आपको बीमारी नहीं होती, क्योंकि आपके बॉडी में स्टेमिना माने वाइट सेल्स की फौज। जितनी अच्छी वाइट सेल्स होंगे आपके अंदर, वायरस आएगा वो अपने आप ही मर के निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टेमिना बढ़ानी पड़ेगी। आप एक बात ध्यान रखना बस, यदि आप सोचें विलासिता की जिंदगी हो, आलस की जिंदगी हो, कुछ काम नहीं करना पड़े, खाए पिए बैठे रहे, तो बिना ही मच्छर के काटे आपको बीमारी आ जाएगी, मच्छरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसका बहुत अच्छा उत्तर देता हूँ मैं आपको, दिगंबर मुनिराज कोई मच्छरदानी नहीं लगाते, सारी दुनिया में विहार करते हैं, सब तरफ का पानी पीते हैं, सब तरफ की वायु होती है, उन्हें तो उपसर्ग परिसरों में, परिसर में दंश नाशक नाम का परिसर है,
यदि ऐसी बीमारी होती इन मुनिराजों को क्या होगा। ये जो पशु पक्षी हैं इतने सारे, इनको मच्छर खूब खाती हैं, ये क्यों नहीं बीमार होती। एक ही उत्तर है, स्टैमिना। आप अपने को बढ़िया रखो, इसे कभी मत डरो, कभी मत डरो बिल्कुल। समझ में आया आपको? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? एक बार स्टैमिना बढ़ाने के लिए एक पॉइंट, सभी समझना, स्टैमिना बढ़ाने के लिए पॉइंट। सभी युवाओं की बॉडी स्टैमिना इसलिए कम है, आपको पता है ऑक्सीजन आप कहां से लेते हैं? नाक से? जी नहीं, पूरी बॉडी से लेते हैं। पूरी बॉडी में ये छेद हैं, छिद्र हैं, आप यहां से ऑक्सीजन लेते हैं, पूरी बॉडी से लेते हैं। लेकिन जब आप टाइट कपड़े पहनते हैं, स्किन टच कपड़े पहनते हैं, रफ एंड टफ पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टाइट चिपके हुए अंडरवियर बनियान पहनते हैं, तब आपको अनिजी फील होता भी होगा, खुजली चलती होगी, एलर्जी होती होगी। एक रामलीला होती है, रामलीला, रामलीला में एक को हनुमान जी का पार्ट दिया गया, तो उसको उन्होंने पूरा पोत दिया रेड कलर से, पूरा का पूरा पोत दिया। अब उन्होंने समझा नहीं, आपको मालूम नहीं हुआ एक घटना सच्ची है, और जैसे वो मंच पर आया नाटक करने के लिए, उसका सिर घूमने लगा और गिर करके वहीं मर गया। तब न्यूज़पेपर में आया था, डॉक्टर की रिपोर्ट आई थी कि उसकी पूरे बॉडी को जिस तरह से उन्होंने पोत दिया था, तो श्वसन केंद्र बंद हो चुके थे, इसलिए मारा गया। आप यदि हो सके तो दुनिया की फैशन की स्टाइल मत देखो कि वो क्या पहनते हैं। आपको क्या बताऊं, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप सुन तो लो कम से कम। आपको पता है 50 रुपए का जीन्स 800 और हजार और 15-15 हजार और 12-12 हजार में बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? 25 पैसे का पानी 12 रुपए में बिकता है, कोको कोला 10-10, 12-12, 20-20 रुपए में बिकती है। क्यों बिकती है? 25-25 पैसे की चीजें, क्योंकि करोड़ों रुपए देते हैं हीरो को, हीरोइन को करोड़ों रुपए देते हैं विज्ञापन पर, जितने की लागत नहीं होती उससे ज्यादा विज्ञापन लागत है। ये खिलाड़ियों को पैसे देते हैं, आईपीएल क्या चीज है, जरा सा खेलने के लिए साल भर में एक बार आईपीएल में खेलने के लिए 7.5-7.5 करोड़ काहे बात की हमारा माल का विज्ञापन होगा। आपको सच कहता हूं, यदि आप कभी मार्केटिंग मैनेजमेंट देखने पढ़ने जाएंगे, कभी यदि मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आपको तरस आएगा कि सारी दुनिया कैसे बेवकूफ बनाई जाती है विज्ञापन के द्वारा। 25 पैसे का पानी जहर के साथ कोको कोला के रूप में बिकता है, 45 गुना जहर। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप किसी को देख करके मत पीजिए। और चलो आप कपड़े की बात सुनो, ये शाही ड्रेस नहीं है, भारत की राष्ट्रीय ड्रेस होती थी। आपने देखे होंगे जितने राजा महाराजा देखे होंगे, राजस्थान के, गुजरात के, जितने देखे हो आप, सर सेठ हुमचंद, जितने लोगों के नाम देखेंगे आप, पाजामा, बढ़िया कुर्ता, शेरवानी, अंदर में वो जैकेट, सिर पर पगड़ी, ये राष्ट्रीय ड्रेस थी। पूरा शरीर इजी रहता है, सारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, स्वस्थ रहते हैं। देख लेना आप किसी भी राष्ट्रीय ड्रेस ये थी, लेकिन अभी देखकर तरस आता है। हमने देखा है विद्यार्थियों को मार्केट से नई जीन्स लाते हैं और दीवार पर रगड़ रगड़ के पहनते हैं। मैंने साबुत कपड़ा तक नहीं पहनते, फटे हुए कपड़े छेद कर लो, ऊपर टिक टिकली चिपका लो। मैंने तुम्हारे भाग में फटे पुराने कपड़े बचे, आपको पता हो या नहीं पता हो, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ो आप डॉक्टर की। जितने लोग ये जीन्स पहनते हैं, इधर से लेकर नीचे तक एलर्जी,
नंबर एक। दूसरा, एक मोटी मोटी पॉकेट बैठने और सोने में तकलीफ देती हैं, बैक पेन, तमाम बीमारियां। मालूम है आपको जींस किसके लिए बनाई गई थी? सबसे पहले लेवर के लिए। भाई तुम्हारे जैसे 500-500 200-200 रुपए के पैंट इतने पतले और चमकीले और अच्छे वाले एक कपड़े नहीं पहन सकते थे। क्यों? उन्हें कार के नीचे जाकर के काम करना है, उन्हें पोल पर जाके काम करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ऊपर चढ़कर काम करना है, 40-40 फुट नीचे से बार बार इंस्ट्रूमेंट ले जा नहीं सकते, ला नहीं सकते। तो उन्होंने दो पॉकेट यहाँ बनाई, दो इधर बनाई, दो इधर भी बनाई, दो इधर बनाई। क्यों? अभी लटके हुए वहां। तो उनकी तो 8-8, 10-10 पॉकेट फैशन नहीं थी, 8-10 पॉकेट उनकी फैशन नहीं थी, उनको वो सुविधा थी, ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट रख करके वो चले जाएं ऊपर तक। हाँ, हमने उसे सही बताना थी, ईमानदारी से 6-8 पॉकेट आपको क्या काम आती सिवाय वजन लादने के, और कभी लेट जाओ तो यहाँ चुभे, और इस तरफ करवट लेटो तो इस तरफ चुभे, सीधे लेट जाओ तो बैक पेन हो जाए, मोटरसाइकिल पर आप बैठ के लंबे समय तक ड्राइव करो तो बैक पेन हो जाए आपको, ऑक्सीजन नहीं जा सकती, इतना टाइट, धोने के नाम पर ही 6 महीने में कभी धो लें, जब 6 महीने कपड़ा नहीं धुलेगा तो वायरस तो अपने आप होंगे उसके अंदर, जीवाणु तो अपने आप ही होंगे। हो सके कोशिश करो, दुनिया की ओर देखकर मत जियो, अपनी ओर देखकर जियो। दुनिया हमें देखकर फैशन सीखे, हम दुनिया से फैशन नहीं सीखे। आपके स्वास्थ्य के लिए कपड़ों की एक ड्रेस, मैं नहीं कहता हूं, ये बात पूरा का पूरा चैप्टर है, एडोल्फ जेस्टन लिखा हुआ है, एडोल्फ जेस्टन है। आपके कपड़े हल्के फुल्के हों, कॉटन हो तो सबसे बढ़िया है, कॉटन सबसे बढ़िया, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी इससे। खान पान जितना खराब नहीं होगा आपको बाजार का, उतनी स्टेमिना बढ़ेगी। स्वस्थ आहार, बिहार और निहार। निहार आपको कल बताई दिया था, 2 टाइम खाओ और हाँ बस इतने में आपका ठीक काम हो जाएगा। आहार की बात थोड़ी सी और सुन लो आप। भोजन करते समय पानी मत पियो। आपने भोजन सुनना जरा सभी लोग ध्यान से, एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी जल्दी भोजन नहीं करो, आराम से खाओ। अब मान चलो आपने आराम से भी खाया और पेट में सारा भोजन चला गया, घी, दूध, तेल, बादाम, शक्कर, अच्छे अच्छे पौष्टिक सारे पदार्थ ग्राइंड होकर के पेट में चली गई। जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, एक मिक्सी में आप ये सारा भोजन डालो, मिक्सी चलाओ और 1 लीटर पानी डाल दो उसमें, अब मिक्सी चलाओ, आप देखेंगे यदि उसको हम फेंक दें उस पानी को ऊपर ऊपर का, तो नीचे रफ मटेरियल बचेगा, बस रफ मटेरियल। ऐसे ही आपके स्टमक में आपने बहुत अच्छे चबाया खाया और 2 लीटर पानी या 1 लीटर या 2 ग्लास 4 ग्लास पानी पी लिया आपने, वो डाइल्यूट होने के बाद सारा भोजन का रस, पोषक तत्व यूरिन बन के निकल जाएगा। आंत जो बहुत बड़ी है, उस आंत में वह भोजन चिपकेगा, रफ मटेरियल परिणाम में निकलेगा, आपको पेट खराब हो जाएगा, प्रेशर की तकलीफ आएगी, पेट साफ नहीं होगा। जिंदगी में आप में से कई बच्चे दिखाई देते हैं, खाते हैं लेकिन दुबले पतले हैं, खाते पीते हैं लेकिन खून नहीं बनता। क्यों नहीं खून बनता समझ गए? सारे पोषक तत्व यूरिन में बह जाते हैं। आप भोजन करने के तत्काल पहले, आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक पानी मत पियो। भोजन करते समय मुश्किल से यदि आपको पीना ही है तो मुश्किल से, यदि आपने सुबह से पानी नहीं पिया वो, जबकि आप पीते ही हैं, तो आधा गिलास पानी पर्याप्त। अभी जो बच्चे मेरे कमरे में आए थे उन्होंने देखा होगा, थोड़ा सा 1 गिलास पानी पीने में भी मुझे बहुत समय लगता है। आप एक एक घूंट भर के पीजिए, लार में मिक्स होने दीजिए, और जब गले के टेम्परेचर पे हो जाए, मुख के टेम्परेचर पे पानी आ जाए, तब
तब आप उसे पीजिए। आपकी आहार नली का टेम्परेचर ज्यादा है और आप फ्रिज का पानी पीते हैं, फ्रिज का फल खाते हैं, तो आपकी आहार नली खराब होती चली जाएगी, इसमें खराब होता चला जाएगा, इससे आपकी बीमारियां खड़ी होंगी और इससे अपना कम हो जाएगी। मैं आपको बहुत एक सरल एग्जाम्पल दूं। एक नई बाजार से पाइप लाओ, क्या बोलते हैं आप, पाइप लाइन डालते हैं पानी के लिए, सटर क्या बोलते हैं, सटर या पाइप लाते हैं आप। आप पहले दिनों से ला के कितना ही मोड़िए, कहीं से क्रैक नहीं हो रहा, कहीं से नहीं टूट रहा है। केवल आप 2 महीने के लिए छत पर डाल दीजिए उसे, धूप हवा पानी छाया, धूप हवा छाया पानी, लगते लगते 2 महीने बाद उसे आप ऐसे करिए। पहले दिन आप चाय जैसे कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, और 2 महीने के अंदर उसकी हालत खराब। मेरा आपसे एक बात कहना है, आप गर्मा गर्म, कई बार बच्चे मजाक में क्या करते हैं, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्म प्रकृति की चीज खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर कोई गर्म चीज खा लेते हैं, फिर फल फ्रूट खा लेते हैं फ्रिज से निकालकर। आप कल्पना करिए, आहार नली पर ठंडे गर्म, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म होने के बाद अब क्या होगा, निश्चित रूप से स्टेमिना कम हो जाएगी। कोशिश कीजिए पानी जब भी पिए, मैं आपको बताता हूँ गर्मी के दिनों का पानी पीना, आपको सब याद आएगा, जरा देखना मेरी ओर, गर्मी के दिनों में आपको पानी कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बार में हम जब ठंडा अच्छा पानी मिल जाए तो 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास अब लगता है प्यास बुझी, लेकिन आपने देखा वो 15 मिनट बाद प्यास फिर बाकी, वहां गला फिर सूख रहा है आपका और पेट टाइट हो रहा है, पेट में जगह नहीं बची पानी के लिए, और 15 मिनट बाद फिर प्यास। बहुत सरल तरीका है, चाहे गर्मी के दिन हो या ठंडी के दिन है, ध्यान से सुनना आप, प्यास कभी पानी से नहीं बुझती, प्यास कभी पानी से नहीं बुझती, पानी पीने का स्टाइल होना चाहिए। आपको पता है ये कोकोनट बटर पीते हैं ना, तो उसमें एक स्टर डालते हैं, लस्सी पियेंगे तो स्टर डाल के पियेंगे, ये विदेशी कल्चर है, लेकिन उन्होंने एक सही काम किया है, आप उससे ज्यादा पी ही नहीं सकते। आप उसे जब खींचेंगे तो इतना सही आएगा मुंह में, और उतना चूसेंगे और गुटकेंगे, सही स्टाइल है। यदि आप कभी दूध पिए, मैंने कई बार बच्चों को देखा है मार्केट में गए और शुगर कैन का जूस पिया, बहुत अच्छा लगा, चलो यार 3 गिलास खींचा, लेकिन पहला गिलास काम का है, बाद के 2 गिलास माइनस एनर्जी देते हैं आपको, कोई फायदा नहीं है उससे। आप 1 गिलास जूस पीजिए केवल, कभी भी, लेकिन चम्मच से पीजिए या स्ट्रा से पीजिए या चुस्की लेकर पीजिए, ऐसे आप पानी 1 गिलास पीजिए, जब कभी पीना हो 1 गिलास, लेकिन चुस्की लेकर पीजिए, मुंह में घुमा करके पीजिए, आपको प्यास नहीं लगेगी, घंटों प्यास नहीं लगेगी आपको। ये तरीका है बहुत सुंदर, मैंने एकदम नेचुरल ऑर्डर है स्वस्थ रहने का। पानी पीने का तरीका समझ में आ गया सबको, बिल्कुल धीरे धीरे पीजिए, फटाफट गिलास भर भर के मत पीजिए, और आप 3 गिलास 2 गिलास कितने पी लीजिए, आधा घंटा 15 मिनट फिर जम के प्यास लगेगी, पेट भारी हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, इससे शरीर खराब होता है। समझ में आ गया सबको। चलिए अब आपको कोई पूछना हो तो आप क्वेश्चन फटाफट 10-15 मिनट के अंदर है अपने स्थान पर खड़े होकर पूछ सकते हैं, कोई एक भी प्रॉब्लम आपको बच गई हो तो। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसीलिए जो पानी पीने का नियम मैंने बताया है वो इनके लिए बताया है जो सुबह से शाम तक पीते हैं। दिगंबर महिला जब भोजन लेते हैं तो 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं, वो एक ही बार में पानी लेते हैं, उनका सिस्टम इन सबसे सिस्टम से अलग है, चूंकि उनकी खाली आंतें होती है 24 घंटे की, तो सबसे पहले वो लगभग आधा लीटर पानी लेते हैं या दूध ले लेते हैं। महिला के आहार में सबसे पहले दूध आता है, सुनो सभी लोग, बहुत काम की बात पूछी उन्होंने। यदि आपका पेट खराब हो और आप दूध पीते हैं, कोई तकलीफ है आपको, तो खाली पेट दूध पीना सीखो। आपकी इतनी बड़ी आते हैं, खाली पेट यदि दूध जाएगा तो सभी जगह वो चिकनाई छोड़ता हुआ जाएगा, तो आते अंदर से चिकनी हो जाएंगी,
अब आप कुछ भी खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हम इलाज दूध का आहार लेते हैं पहले नंबर पे, थोड़ा सा पानी कुल्ला करके ले लेते हैं, फिर दूध लेते हैं, इसके बाद वो अन्य भोजन लेते हैं और आखिरी में पानी ले लेते हैं। तो आंखें आते हुए सूखी होती हैं पूरा शरीर के अंदर, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए मुनिराजों का नियम इन बच्चों पर घटित नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें छाले, आप सबको ये प्रॉब्लम होगी छालों की, छाले होते क्यों हैं ये समझ लो। छाले इसलिए होते हैं, नंबर एक, आप ज्यादा जागते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे मान के लिए रात भर आप जग करके पढ़ते हैं और अगले दिन एग्जाम है आपकी, और रात में केवल दो घंटे सोए और फिर आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं, जागते हुए पढ़ रहे हैं, घूमते हुए पढ़ रहे हैं, तो आपके पेट में गर्मी बढ़ जाने के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं। जब जब आपका पेट खराब होगा तब तब आपके मुंह में छाले होंगे। छाले दूर करने की कोई दवाई नहीं है, केवल एक ही तरीका है, पेट को ठंडा रखिए, पेट को साफ रखिए। मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना फिर से। छालों से बचने के लिए परीक्षा के दिनों में प्राय करके छाले हो जाते हैं, जब जब आप ज्यादा जागते हैं, रात दिन काम करते हैं तो छाले होती हैं। अब वो कोई रास्ता तो नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अपने पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यदि आपको पढ़ाई करना है तो आप कोशिश करिए कि उस 24 घंटे में एक या दो रोटी खाइए बस। 90% सलाद खाइए, फल खाइए, जूसेस पीजिए। उन दिनों में सबसे ज्यादा आप नींबू का जूस पीजिए, आपको छाले नहीं होंगे। यदि फिर भी आपको पेट खराब होता है, सुनो सभी लोग, यदि पेट साफ नहीं होता है तो एक दो हर खा लीजिएगा। मार्केट से हर आती है, बहुत सस्ती आती है, एक आध हर चूस लीजिए आप, तब तो इतनी सारी जाएंगी कि एक घंटा लगेगा ना। समझ में आ गया आपको? मैं इतनी बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अभी लाना नहीं स्लिप, क्योंकि इसमें सब थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। फिर से सुन लीजिए सभी लोग, समझ में आ गया सबको? गर्मी के दिनों में, परीक्षा के दिनों में पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, तो अनाज कम खाइए, जूस ज्यादा से ज्यादा लीजिए, दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, जितने चाय लीजिए, तो आपकी गर्मी नहीं बढ़ेगी और छाले नहीं होंगे। अब दूसरा उत्तर सुनो, दूसरा उत्तर नोट कर लो आप, फिर भी छाले हो जाए तो बहुत सिंपल तरीका है, एक नींबू लीजिए, उसके दो पीस कीजिए और तवे पर रखकर उसे गर्म कर दीजिए, फिर उसमें सेंधा नमक लगाइए और जहां छाला है वहां लगा दीजिए, 10 सेकंड के अंदर आराम हो जाएगा। हाँ, हल्दी घी का भी प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग मिल जाएंगे, आप बुजुर्गों के संपर्क में रहिए, आपको बहुत प्रयोग मिलेंगे। सुनो, तो घी हल्दी भी लगा सकते हैं, नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं, हल खा करके भी ठीक कर सकते हैं, और ठंडे पानी की पट्टी पेट पर लगा करके और सिर पर लगा के भी ठीक कर सकते हैं। चलिए, अब आपका टाइम पूरा हो रहा है। देखो, जितने ही प्रश्न आए हैं इन सबके उत्तर वही हैं जो दो दिन में मैंने बताए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल, बस क्वेश्चन बदलेंगे, उपाय वही करना है आपको। एक क्वेश्चन आया, गाड़ी में बैठने पर उल्टियां होती हैं, वॉमिटिंग, गाड़ी में बैठे हो तकलीफ, इसका एकमात्र कारण है आंतें कमजोर हैं। आप आंतों के स्ट्रेंथ में बढ़ाइए, मेहनत करके बढ़ाइए, घूम फिर के बढ़ाइए, नहीं तो कपाल भाती करके बढ़ाइए। बिस्लरी का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कब्ज और गैस कैसे ठीक करें? जिसको भी कब्जियत और गैस हो, भोजन टोटली बंद करके सलाद पर आ जाइए। इन दिनों अमरूद मिल रहे हैं, भरपेट अमरूद खाइए 15 दिन 10 दिन तक, भरपेट, और जितने फल फ्रूट खा सकते हैं, थोड़े दिन में आपकी कब्ज और गैस बिल्कुल सही जाएगी। कान नहीं सुनने वालों के लिए इलाज,
अब जिनके टोटली नहीं होंगे उन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बहुत सिंपल इलाज यही है कि कानों की सफाई रखो और नमोकार मंत्र का अच्छे से उच्चारण करो जिससे वो गुंजन गुंजन हो जाए। कान साफ रखो, थोड़ा सा तेल डाल लो और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा ही हो तो ठंडे पानी की सेंध यहां से करिए, नीचे की तरफ से आराम मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया जी, अच्छे अच्छे प्रश्न है। जब ज्यादा देर तक पैर या हाथ पे भार देते हैं तो वह भार शून्य हो जाता है, चल नहीं पाते, तब क्या करें? बहुत बढ़िया, रोज चलते रहिए, शून्य कभी नहीं होगा। खाते हुए पेट भर जाए तो छोड़ नहीं सकते, पाप लगेगा, ऐसा लिखा है। खाते हुए पेट भर जाए तो छोड़ नहीं सकते, पाप लगेगा। और आपने कह दिया कि लार खत्म हो जाए तो खाना बंद कर दो, और क्या कहना चाहिए कि जब डकार आ जाए तो सिग्नल है वो, भोजन बंद, तो आप क्या करें? शुरू से कम कम लेना सीखो। दांतों का पीलापन के लिए सारे उपाय बता दिए हैं, हाइट और हेल्थ बढ़ाने का उपाय भी बता दिया है। अच्छे से चबाओ, पानी मत पियो, पानी पीने का स्टाइल समझ लो, व्यायाम करो, मेहनत करो, व्यायाम है मेहनत करो, नेचुरल लाइफ रखो, हेल्थ अपने आप आठ बढ़ेगी आपकी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जितने बच्चे अभी स्लिम दिख रहे हैं, सुनो सभी लोग, जितने बच्चे स्लिम दिख रहे हैं एक समय ऐसा आएगा वो स्लिम होने के लिए तरसेंगे। इसलिए आप स्लिम है, थोड़े से सुख भोगो इसका। स्लिम होने का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ द बॉडी। अभी आपका डेवलपमेंट की उम्र है, 12-14 साल से लेकर के 16-18 साल तक बच्चे की हेल्थ तेजी से बढ़ती है, तो आपको लगता है ये दुबलापन है, लेकिन वो दुबलापन नहीं है। 18-20 के बाद भरना शुरू हो जाता है फिर, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं करना, ना हेल्थ की ना हाइट की। आपकी हेल्थ आपके टिफिन का माल है, आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन आया, जोड़ों में दर्द अथवा हाथ पैर में दर्द होने पर साइटिका क्या उपाय किया जाए? इस साइटिका की बीमारी होती है जुकाम से बिगड़ते 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 साइटिका बनती है। जुकाम से बिगड़ते 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 जोड़ों की दर्द हो जाती है। इनको घर बैठे इलाज नहीं होगा, ये नेचुरोपैथी सेंटर पे जाकर के 15 दिन भर्ती रहे। एक बार आप डॉक्टर के गाइडेंस में ही अच्छा काम कर लीजिए, इसको पूरा स्वस्थ आप हो जाएंगे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। मैं इसको लंबा तो नहीं समझाऊंगा, अभी समय नहीं है कि क्यों होती है सारी तकलीफ, लेकिन कुल मिलाकर यह है, सर्दी होने पर या छोटी छोटी बीमारियां होने पर जब आप दवाइयां खाते हैं एलोपैथी, उसका ही बिगड़ा हुआ रूप है साइटिका, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है ये जोड़ों में दर्द, यहां तक कि बॉडी में गठाने बनने लगती हैं। ये सब केवल विकार का रूप है और कुछ नहीं। सफेद बाल काले कैसे करें? सुना सुना सुना, बहुत अच्छा प्रश्न है। काले बाल और सफेद बाल के बारे में पुराण में एक बहुत अच्छी बात आई है, पुराण में बहुत अच्छी बात आई है, सुनने जैसी बात है, सुन लो जल्दी से। राजा का वर्णन आया, किसी राजा का वर्णन, उनके काले बाल थे पूरे, तो ऐसे लिखा है उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि अंदर का सारा कालापन बाहर निकल पड़ा सिर के माध्यम से, इसलिए उनके काले बाल थे। फिर वही राजा जब वृद्ध हो गया तो उसके सारे बाल सफेद हो गए, तो फिर उसमें लिखा था अंदर में पवित्रता इतनी बड़ी कि अंदर नहीं समाई तो बाहर निकल पड़ी। इसका मतलब जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनके अंदर पवित्रता जल्दी आ गई है। खैर मैं आपको समझाता हूं, बात केवल काले बाल सफेद बाल की नहीं है, बॉडी के और भी जो ऑर्गेन्स हैं अपने उनमें भी समय से पहले कमी आती है, वो स्टेमिना की कमी एकमात्र शब्द है बस,
रोग निरोधक क्षमता उसकी कमी एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। आपके में से यदि जो नए बच्चे हैं जिनके अभी काले बाल हैं, सफेद नहीं करना है, इन्होंने पूछा है सफेद बाल कैसे नहीं हुआ, तो हम आपको बता दे रहे, बहुत सरल तरीका है। आप दिन भर में 5-6 बार हेड वॉश करिए ठंडे पानी से, नहाते समय रीढ़ की हड्डी पर पानी गिरने दीजिए, नहीं तो वो तरीका अपना लीजिए गीले कपड़े पहनने वाला, बहुत सुंदर तरीका है। ठंडे पानी की प्रयोग करिए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं आपके पास। आप मार्केट से कितने प्रकार के लोशन, दवाइयां, शैम्पू डाल दीजिए, शैम्पू तो सफेद बाल करने का कारण है। जितने आप आर्टिफिशियल उपाय करेंगे उससे आपकी स्किन खराब होगी और जो सेल्स हैं वो खराब होते जाएंगे, उसी का कारण वाइट माने वो सफेद बाल हो जाना है। तो आप इनसे बच सकते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह सारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए, समय भी पूरा हुआ है। अब अगली बार जब अपन मिलेंगे तो हेल्थ संबंधी सारी चर्चा लगभग हो गई है, फिर भी कोई बात याद आएगी तो हम छोटी मोटी बातें आपको बताते रहेंगे। लिखी तो लगभग सारी बातें आपको बताई है, चाय के बारे में और सुन लो थोड़ा सा। आप बाजार से 5 लीटर दूध लाओ भैंस का बढ़िया निकलवा करके, साइकिल का नहीं, भैंस का दूध बढ़िया 5 लीटर। यदि आप उसमें मेहनत करेंगे, जमाएंगे, मक्खन निकालेंगे तो 1 किलो मक्खन निकलेगा। लेकिन 5 लीटर दूध में केवल 1 टीस्पून चाय डाल दीजिए और उसे बॉईल कर लीजिए, इसके बाद उसे छानिए, इसके बाद उसे दही की तरह जमाइए, इसके बाद उसमें से आप मक्खन निकालने की कोशिश करिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा उसमें 1 ग्राम भी मक्खन नहीं निकलेगा। मैंने 1 कप चाय, 1 चाय की चम्मच बराबर चाय की पत्ती, 1 किलो बटर को, पोषक तत्व को, घी को नष्ट कर देता है। चाय के बारे में बहुत लिटरेचर न्यूज़पेपर में आता रहता है, आप पढ़ते रहिए। यदि आप चाय की बजाय हल्दी का दूध लें, एंटीसेप्टिक है, बहुत बढ़िया। इलायची का दूध लें, गुरुकुल कांगड़ी का कुछ मटेरियल आता है, दालचीनी, जायपत्री, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल, यदि आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए कई गुना बेहतर है। आपको मैंने बात बता दी है, एक अंतिम बात याद आ रही है, उसे और बता रहा हूं मैं, आप सुनेंगे सभी लोग साइलेंट और इधर देखना थोड़ा, केवल 5-7 मिनट में एक बात बताना मुझे अंतिम, बहुत मुझे अच्छी मार्मिक बात याद आई। कल मैंने एक बात कहकर छोड़ी थी जो मैंने नहीं बताई, आपकी बॉडी दी बेस्ट मेडिसिन फैक्ट्री है। आप जैन हैं, कितना भी आप, कितने भी हम आपको स्वच्छंदी कह दें, कितने खराब कह दें हम आपको, तो भी आप उतने खराब नहीं हो सकते जितने वर्ल्ड के 90% लोग हैं। 90% लोग छोटी उम्र से शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, नाना प्रकार की चीजें खाते हैं। मार्केट की 90% चूंकि दवाइयों की खपत उनमें होती है, तो सारे विश्व की जितनी दवाइयां बनाई जाती हैं उन 90% मांसाहारी, शराबी, कबाबी, दारूखोर लोगों को की सेल्स और कोशिका के अनुसार बनाई जाती है। जैनी लोग गिनती के हैं, इनके लिए कोई मेडिसिन फैक्ट्री नहीं विश्व में। इसीलिए जैन लोग जब भी दवाइयां खाते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट अकेले उन्हीं को नहीं होते, होते तो उनको भी हैं, लेकिन आपको जल्दी पता लगता है, आपको उसके रिएक्शन होते हैं। डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, उसका रिएक्शन दबाने के लिए कुछ ना कुछ और देता है, उस दूसरे रिएक्शन को दबाने के लिए तीसरी दवाई देता है, तीसरे रिएक्शन को दबाने के लिए चौथी दवाई देता है, और जब आप बड़े रोग के शिकार हो जाते हैं तो पेन किलर देता है। पेन किलर माने किलर, नाम तो है पेन किलर, लेकिन पेन किलर नहीं होता। पेन मेरे को पास ऐसे सैकड़ों लोगों के नामों की लिस्ट है, बड़े प्रसन्न होते थे साहब घुटने का दर्द होता है, लेकिन एक इतनी सी दवाई खाते हैं बस छोटी सी एक टेबलेट आराम, रोज खाते 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 10 साल बाद उनको किडनी का कैंसर हो गया। घुटने का दर्द केवल चलने से सही किया जा सकता था, सर्दी बनाकर सही किया जा सकता था, शाकाहार
अनाज छोड़ करके केवल फल फ्रूट जूसों से सही किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कैंसर बना ली किडनी का, आज भी तड़प रहे हैं। आप कभी भी थोड़ी भी तकलीफ हो आप बर्दाश्त कर लो, लेकिन भूल करके भी पेन किलर मत लो। हमारे यहां तो ये कहना है एलोपैथी ही मत लो। मैं अपने जीवन में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उसी पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने आपको इसलिए बताया कि जिस स्टेज में आप खड़े हो वहां से आप चाहें आपको एलोपैथी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी आपका पेट खराब नहीं होगा। बस अपनी छोटी सी बातें हैं, अलर्टनेस, पंक्चुअलिटी, लेबर, आलस नहीं करें आप, हमेशा स्वस्थ रहें। थोड़ा मार्केट का खाने से बचें, थोड़ा अच्छे कपड़े पहने, बस कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेडिसिन फैक्ट्री का नाम बताता हूं आपको, मेडिकल स्टोर से दवाई लाने तक तो बहुत देर होती है। जैसे ही आपकी आंख में एक मच्छर घुसता है, कोई कीड़ा गिर जाता है, आपको पता है आंखों में एक आंसू आते हैं। ये आंसू कुछ नहीं है, ये मेडिसिन है, जिसको बहुत सरल भाषा में कहते हैं एंटीसेप्टिक वाटर। इससे पहले कि वो मच्छर का प्रभाव, कीड़े का प्रभाव, वायरस का प्रभाव आंखों की पुतलियों पर हो, रेटिना पर हो, अंदर घुसे, उससे पहले ही उसे धोकर के बाहर फेंक देता है। और तब तक आंसू आते हैं लगातार जब तक वो पूरा विष निकल नहीं जाता। आपकी आंख में मिर्ची जाती है तो मिर्ची निकालने वाली मेडिसिन बनती है, नमक जाता है तो नमक निकालने वाला मेडिसिन तैयार होती है, तत्काल निकलती है। आपने कभी देखा होगा जैसे आपको ठोकर लगती है झंझनाहट हो जाती है, यहां से यहां तक हाथ में लगती है तो यहां तक झंझनाहट। पता है झंझनाहट क्या चीज है? बॉडी में, पूरी बॉडी में वाइट सेल्स हैं, जहां जरूरत पड़ती है, जहां दंगा फसाद होता है पूरी पुलिस फोर्स वहीं भागती है। जहां दंगा फसाद होता है वहां पूरी सेना लगा दी जाती है। ऐसे आपकी बॉडी में जहां तकलीफ होती है वहां पूरे वाइट सेल्स की सेना दौड़ती है, इसीलिए आपको लगता है झंझनाहट। आप उसे दबाने की कोशिश मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, आप इस नेचुरलिटी को समझो बस। थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे अपने आप राहत मिल जाती है। जब भी कोई बिसेला जानवर आपको काटता है, कीड़ा मकोड़ा काटता है, सूजन आ जाती है। सूजन इसलिए आ गई है क्योंकि वहां वाइट सेल्स बढ़ गई है, वो उस जहर को फैलने से रोक रहे हैं, वो उसको पसीना बनाकर निकालना चाह रहे हैं, वो उसको मवाद बनाकर निकालना चाह रहे हैं, वो उसको मलमूत्र बनाकर निकालना चाह रहे हैं। माने ये डिसीजन भी वो खुद लेते हैं, आपको डिसीजन तक करने की जरूरत नहीं है। वो किस तरह से निकालेगा, कभी फोड़े के रूप में निकाल देगा, कभी यूरिन में निकाल देगा। ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक, जिसको हम कहें ये बॉडी ऑटोमोशन का सिस्टम है इसमें। इसलिए आप कभी चिंता नहीं करो, आपका पेट दुखता है, जो कुछ भी होता है आपको लगता है कुछ हो रहा है, आप डरो मत, बीमारी नहीं हो रही, बीमारी निकालने का सिस्टम डेवलप हो रहा है। सारे शरीर का फंक्शन बता दिया हमने आपको। जिस दिन आपको ठोकर लगती है कभी छिल जाते हैं आप, पैन पैर में या हाथ में स्क्रेच पड़ गया, छुल गया, आपने देखा होगा आप सफाई करते जा रहे हैं और एक मटेरियल आता जा रहा है, एक लोशन जैसा आता जाता है, वो दवाई है, एंटीसेप्टिक है, उसका कोई तेल घी दवाई जगह लगाने की जरूरत नहीं है। वो एंटीसेप्टिक के कोई कीटाणु उस पर संक्रमण नहीं कर सकता। आप मत पहुंचिए, आप सूखने दीजिए। काली प्लेट पपड़ी जो दिख रही ना, ये एंटीसेप्टिक है, ये जो काली पड़ गई ना ये एंटीसेप्टिक है। थोड़े दिन में आप काली देखकर उखाड़ो मत इसे, अंदर अंदर उसने जब पूरी स्किन तैयार कर दी और पूरी पावरफुल सुरक्षित चमड़ी बन गई अंदर, तब एक दिन सुबह उठते हुए आप देखते हैं कि गायब। मानो काली परत भी अपने आप चली जाती है, काली परत के बाद भी जो निशान दिख रहा है वाइट वाइट, 15 दिन बाद वो भी गायब हो जाता है। बाजार में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके निशान मिटा दे, जो घावों के निशान मिटा दे, लेकिन प्रकृति में ऑटोमेटिक सारा सिस्टम। आप देख लेना, आपको कई स्थानों पर छिल गए होंगे आप ब्लेड से सेविंग करते समय, भाई कोई निशान नहीं है आपके पास, और ये आपने उखाड़ उखाड़ के दवाइयां लगा लगा के कार्य कर लिए। और इसी में एक बहुत सुंदर बात याद आ गई, सुनने जैसी बात है वो भी,
अंतिम बात समझिए, लेकिन आपको बहुत याद रहेगी जिंदगी भर, जल जाए तो क्या करें, जलने पर फफोले पड़ जाते हैं, फिर उनके निशान पड़ जाते हैं, कई बार तो जिंदगी भर जितने लोग एलोपैथी सेंटर पर जाते हैं उनकी जिंदगी भर निशान पड़े रहते हैं जले हुए के। एक सच्ची घटना हुई थी डबल जी के साथ छिंदवाड़ा में, पंच कल्याण के ठीक पहले, एकदम 24 आवर का वर्ल्ड वाटर, और उठाते से छूट गया, ठंड के दिन थे, मोजे पहने हुए थे गर्म, पूरा पानी पैरों पर गिर गया। अब उन्होंने मोजे खोलने के चक्कर में वो इतना गरम गरम पूरा और फफोले पड़ गए। मैं अचानक आया उनके कमरे में उसी समय, उन्हें क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा मोजे मत उतारो, कुछ मत करो, जल्दी से पानी टंकी या बाल्टी में पांव डाल दो। सबसे बढ़िया तरीका है पानी, कभी फफोले नहीं पड़ेंगे। जलते से ही आप पानी में हाथ पैर डाल दो, जहां जल गए हो चाहे किसी चीज से जले हो, फौरन पानी में हाथ डालो आप, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, थोड़ी देर निकाल लीजिए, थोड़ी देर आप फिर डाल दीजिए, कोई फफोले नहीं पड़ेंगे, कोई निशान नहीं आएगा आपको। इसके बाद आप चाहे तो मिट्टी लगा सकते हैं, यदि आपके पास खाद रहित मिट्टी हो, खाद रहित 4-5 फुट नीचे गहरी मिट्टी, काली मिट्टी हो, गला दीजिए, उसको लगा दीजिए। अग्नि का, जले हुए का, पानी और मिट्टी, इससे बढ़िया दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसके साथ लेकिन एक साथ करना पड़ेगा आपको एक काम, जब तक ये जले हुए की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, अनाज टोटली बंद, आप जूसेस पे रहिए, दूध पर रहिए, जूस पीजिए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, भरपेट खाइए, कोई टेंशन नहीं, आराम कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इससे बढ़िया इलाज इसका कोई नहीं आता। एक मुझे कुछ बातें याद आई जो हमने आपसे शेयर की, मुझे आशा है हमारे प्यारे बच्चे, प्यारे भैया, सभी लोग जिंदगी में इन बातों को अपनाएंगे और अनावश्यक बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, आप जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत चीजें मिलेंगी आपको। एक घटना और याद आ गई, एक एक्सीडेंट हो गया ऑटो से, सिर फट गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा इनको 6 टांके लगेंगे। उन्होंने कहा फिर 6 टांके लगाने के बाद फिर उन बालों का क्या होगा, उतने स्थानों पर निशान का क्या होगा, बोले वो तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा रहने दीजिए, आप मुझे घर पहुंचा दीजिए। सच्ची घटना है, घर पहुंचा दिया, वो घर आ गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल सफाई की, खोपरे का तेल लगाया और खोपरा, कच्चा खोपरा किस करके उस स्थान पर रख करके पट्टी बांध के सो गए। ना तो एक बाल कम हुआ, ना एक भी निशान आया, कोई निशान नहीं आया सर। 5-7 दिन में सही हो गया। खाने पीने में अनाज बंद, एक कोकोनट वाटर, दांत जिसको कहते हैं उसका पानी पीते रहे सुबह शाम, कभी हल्की फुल्की सलाद खा ली, पूरे सिर में कोई निशान नहीं। ये इतने सिंपल इलाज बता रहे हैं हम आपके लिए, आप आराम से घर बैठे कर सकते हो, अपने हाथों से कर सकते हो। इसके बाद भी आपको कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप अलग से पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।